तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20,000 रुपए के प्राइस में आने वाले बेस्ट गेमिंग फोन के बारे में। वैसे दोस्तों 20,000 रुपए के रेंज में आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों सारे के सारे एक बेस्ट गेमिंग फोन नहीं होते। इसलिए दोस्तों काफी रिसर्च और एनालाइज के बाद इस वीडियो में मैं आपको इस टाइम के टॉप 3 बेस्ट गेमिंग फोन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको 20,000 रुपए के रेंज का सबसे तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस टाइम पे 20,000 रुपए का फोन परचेज करते हो तो यार 5G फोन तो होना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों 5G फोन को पिक किया है, जिसमें आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला गेमिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 4K सपोर्ट वाला कैमरा सेटअप दिया गया है और दोस्तों 728G का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको फोन के सारे डिटेल्स के साथ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, ताकि आप अपने लिए बेस्ट गेमिंग फोन परचेज कर सको। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं डिजिटल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों नंबर 3 पे जो फोन है वो है दोस्तों इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 05G। और दोस्तों ये जो फोन है ये ट्रूली 5G फोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बेस्ट दोस्तों डिजाइन के मामले में फोन बहुत ही कमाल का है, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो लेदर फिनिशिंग वाला डिजाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ 8.8mm की थिकनेस दी गई है और 199g का वेट दिया गया है। इसके साथ दोस्तों फोन में आपको साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी कि दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और सिंगल स्पीकर है, लेकिन दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी अच्छी दी गई है। इसके साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के साथ बेस्ट ऑन XOS 10 और दोस्तों यहाँ पर आपको 1 ईयर का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस वाली LTPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको एनर्जी ग्लास का रोटेशन मिल जाता है, जो कि दोस्तों गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, एक गेमिंग डिस्प्ले आप बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले एमोलेड नहीं है, वैसे ठीक डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों फोन का जो कैमरा है काफी ठीक ठाक है, बैक कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों फोन में जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है। इसके साथ दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 900 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 6nm पे बेस्ड है। और यहां पर जो इसका अंततः स्कोर है 4,50,000 के आसपास है। LPDDR4X का रैम मिल जाता है, UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोस्तों यहां पर आपको 5GB का रैम एक्सपेंशन भी देखने को मिल जाता है। यहां पर दोस्तों आपको डार्लिंग गेमिंग मोड देखने को मिल जाएगा और वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कि फोन को हीट होने से थोड़ा सा रोकता है। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में फोन बहुत ही कमाल का है। बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको दोस्तों एक अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है और फोन जो है लगभग 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है। बाकी दोस्तों इस फोन के प्राइस की बात करें, तो ये जो फोन है 8GB प्लस 128GB एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो है 19,999 रुपये। लेकिन दोस्तों अभी आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से 16,999 रुपये में परचेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है रियलमी का रियलमी 9 5G SE, यानी कि दोस्तों स्पेशल एडिशन। और ये जो फोन है दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही तगड़ा है, काफी तगड़ा फोन है। 778G का 5G प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों डिजाइन की बात करें तो काफी कमाल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। वैसे बॉडी जो है प्लास्टिक की है, लेकिन काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है मैट फिनिशिंग के साथ। 8.5mm के थिकनेस है और 199g का वेट दिया गया है इस फोन के साथ। इसके साथ दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल स्पीकर है, स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक दी गई है, 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी कि दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो फोन है ये आता है एंड्रॉइड 11 के साथ विथ रियलमी UI 2.0 और दोस्तों इस फोन के साथ 2 साल तक आपको एंड्रॉइड का मेजर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों और अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल डिस्प्ले आपको एक बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले आपको एमोलेड नहीं मिलता है, बट डिस्प्ले की परफॉर्मेंस और क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है गेमिंग के लिए। इसके बाद बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा
सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो फोन है कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट इस फोन में आपको कैमरा काफी अच्छा मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप इस फोन के साथ। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही तगड़ा है। इसमें आपको मिलेगा दोस्तों स्नैपड्रैगन का 778G का 5G प्रोसेसर, जो कि 6nm पे बेस्ट है और 5,70,000 के आसपास इस फोन का अंततः स्कोर रहता है। LPDDR4X का RAM मिल जाएगा, स्टोरेज टाइप 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको 5GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है और इस फोन में आपको 5G बैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में कोई कमी नहीं दोस्तों, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके साथ दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी और 30W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ। यहाँ पर दोस्तों फोन के कॉन्स की बात करें, तो ये जो फोन है कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में सबसे तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है इस फोन के साथ। यहाँ पर दोस्तों इस फोन के प्राइस की बात करें, तो 6+128GB के साथ 19,999 इसका प्राइस है और 8GB+128GB के साथ 22,999। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फोन को अभी परचेज करते हो तो ये फोन आप 16,000 रुपए 6GB रैम के साथ और 8GB रैम के साथ 19,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला फोन है वो है दोस्तों IQ का IQ G5 5G, जो कि दोस्तों एक बेस्ट बजट गेमिंग फोन है, जहां पर आपको काफी अच्छा कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों डिजाइन की बात करें, तो प्लास्टिक की बॉडी दी गई है, लेकिन डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। इसके साथ इस फोन में आपको 8.5mm के थिकनेस देखने को मिल जाएगी, साथ ही 193 ग्राम का वेट दिया गया है इस फोन में। बाकी दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर है दोस्तों, ये काफी अच्छी बात है कि डबल स्पीकर मिल जाता है। इसके साथ फोन में आप 2 सिम लगा सकते हो, लेकिन अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के साथ, जहां पर आपको वन टच 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे फोन परचेज करने के बाद इसे आप एंड्रॉइड 12 पे अपडेट कर सकते हो, और IQ ने प्रॉमिस किया कि इसमें आपको 2 ईयर तक एंड्रॉइड का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, और बाकी दोस्तों पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले जो है AMOLED नहीं है, बट जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए गेमिंग डिस्प्ले में वो आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन में जो है कैमरे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी गई है, इस फोन से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पे, और सेल्फी कैमरा दोस्तों वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो ये फोन आता है दोस्तों स्नैपड्रैगन के 778G के 5G प्रोसेसर के साथ, जो कि 6nm पे बेस्ट है और 5,70,000 के आसपास इस फोन का अंततः स्कोर रहता है। बाकी दोस्तों इस फोन में आपको LPDDR5 का RAM टाइप देखने को मिलेगा और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों फोन में जो है डेडिकेटेड गेमिंग मोड है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी है, जो कि दोस्तों फोन को हीट होने से रोकता है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के 5G बैंड की, तो इसमें आपको 2 ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो इंडिया में 5G बैंड होने चाहिए थे वो दोनों 5G बैंड इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5000mAh की बड़ी बैटरी और साथ ही आपको मिलेगा दोस्तों 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि दोस्तों एक दिन का बैटरी बैकअप तो आपको मिल जाएगा, फोन थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा क्योंकि 44W का चार्जर आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस फोन के प्राइस की बात करें, तो ये फोन आपको 8GB+128GB के साथ 23,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस पर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है और ये फोन आपको 21,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो फोन है बहुत ही तगड़ा सा फोन है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। अगर आपको मिलता है दोस्तों परचेज कर लेना, नो डाउट काफी अच्छा फोन है। तो ये है दोस्तों इस टाइम के टॉप 3 बेस्ट गेमिंग फोन, जो कि आप 20,000 रुपए के प्राइस में परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे भाई, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो एक बार आप चैनल पे जरूर जाओ, वहां पर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।